बहुत दिनों बाद ये दरवाज़ा खुला और इस दरवाज़े से इंटर होके बहुत खुशी महसूस हुई है मुझे। और ये हमारी रियासत का झंडा है और इस तरह से ये दोनों झंडे ये इस तरह से लगे हुए हैं। और अब इसके दरमियान में क्या खूब नज़ारा होगा जब नवाब साहब यहाँ से यहाँ पर आते होंगे और मेहमान जो है इन कुर्सियों पर बैठते थे। और ये बहुत ही प्यारा एक लम्हा होता होगा। आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखें कि ये जो ऊपर आपको छत नज़र आ रही है ये बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। और इस इर्द गिर्द के ये जो रास्ते हैं ये आप फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन आज आपको अहमदपुर शिरकिया सातेगढ़ पैलेस का ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये इनकी तस्वीर थोड़ी सी वाजे हैं, ये इनकी कारें, नवाब साहब के महलात, और ये इसका आउटलुक देखिए। और इसको देखें ज़रा गौर से, क्या बात है, क्या खूबसूरत मंज़र होता होगा यहाँ का। ये गाड़ियाँ हैं, ये देखें जी, ये तमाम हिस्ट्री सादेगढ़ पैलेस की आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त ये पूरी टीम रोही न्यूज़ की यहाँ पर सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। और खुशकिस्मत है हम लोग कि हमें भी ये नज़ारा देखने को मिला। ये इसकी दीवारें जो आप बड़ी बड़ी देख रहे हैं, इसमें चावल का आटा, उससे इसकी चुनाई की गई। बहुत बड़ा ये आपको शीशा भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी एक शीशा है, यहाँ पे तख्त हुआ करता था। यहाँ तीन कुर्सियाँ अक्सर आपने देखी होंगी, तीन कुर्सियाँ होती थी। और ये लुक है जी यहाँ की, ये देखें, ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत ये महल है, उस वक्त का, नवाब साहब के दौर का। और क्या खूब कहा है किसी ने। एक और आपको कमरों में ले चलता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़रा, ये जिस तरह गैलरी है, ये देखें, ये गैलरी है, ये देखें, यहाँ आपको ये दूसरा कमरा टच हो रहा है। ये तमाम दरवाजे, ये खिड़कियाँ हैं, ये देखें, ये सब मेन मेन डोर को टच करती थी ये सारी। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये कमाल की बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। ये देखें कॉन्फ्रेंस रूम हुआ करता था, ये कॉन्फ्रेंस रूम का हवाला दिया गया। ये इसमें एक दो और ये एक मेन हॉल, फिर उसके अंदर भी एक कमरा। क्या डिज़ाइन किया है किसी ने, खूब, बहुत ही खूब। और ये सर्दियों के लिए बनाए गए थे, यहाँ नीचे आग लगाई सुलगाई जाती थी। और उसके बाद जो है यहाँ देखें, क्या बात है, क्या खूबसूरत है। अगर इसकी रेनोवेशन करा दी जाए, ये देखें, एक ये और ये देखें, अभी आपको एक और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ ये और कमरा। कितने कमरे हैं आप गिनते थक जाएंगे। ये सारे कमरे, और इनसे निकलने का कोई रास्ता ढूंढने अब ये। हाँ, सामने सामने एक और कमरा है, ये बिल्कुल कमरे ही कमरे हैं यहाँ, ये देखें। अब हम जाएं तो ये देखें सारे कमरे। मैं आपको अंदर से इसी वजह से दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और लोग बड़ी फरमाइशों से अंदर दाखिल होते हैं, बड़ी सिफारिशें की जाती हैं यहाँ पे। ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ, डाइनिंग हॉल, खाने का यहाँ एहतमाम किया जाता था, ये किचन साथ होता था ये इनका। एक और ये देखें, इधर से निकले हर तरफ कमरा ही कमरा है। अब मुझे लगता है मैं शायद कहीं खो गया हूँ,
और इन कमरों से अब निकलना मुश्किल ही हो रहा है थोड़ा सा। हाँ ये देखें मेन कमरा, फिर दोबारा हम मेन में चले जाते हैं। यहाँ से कितनी कितना अच्छा लगा आपको, हकीकत बात है ये बताऊँ कि कितना खूबसूरत। ये देखें ये वही प्लेस दोबारा आ गया हम, जहाँ से हम इंटर हुए थे। ये मेन दरवाज़ा और उसके बाद ये शीशे जो मैंने आपको दिखाए थे तीन, और यहाँ पे बड़ी कुर्सियाँ होती थी उस पर हीरे शिवरात से बनाई हुई, उस पर किस तरह से कारीगरी की गई थी। यहाँ पे तीन कुर्सियाँ अक्सर नवाब साहब की तीन कुर्सियाँ यहाँ पे होती थी। यहाँ पे मेहमान खाना होता था ये, आज भी ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से।